हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज का मैंने जो ब्लॉग है वो मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर दिया है, यानी कि लवी की दूधी बॉटल है दूध की, उसी में रोज़ का काम है उसको साफ़ करना, फिर उसको गर्म पानी में बॉईल करना। और इधर लवी का जो शाम का दूध मैंने गर्म करके रखा था, उसको मैं सुबह भी बॉईल कर लेती हूँ ताकि वो पूरा दिन चल जाए, और उसको मैं छान के रख लेती हूँ ताकि वो शाम तक चल जाता है। अब ठंडा ठंडा मौसम है तो दूध की कोई टेंशन नहीं है, सुबह बॉयल कर लेती हूँ तो 3-4 बजे तक चल जाता है इसका दूध, इसीलिए मैं छान के इसको मग में भर के रख लेती हूँ। और ये जो बर्तन है शाम के मैंने साफ करके रखे थे, धो के टब भर के, और मैं इसको क्या है शाम को मैं टब में रख देती हूँ बर्तनों को, तो इसको पोंछने की मेहनत जो है बच जाती है, क्योंकि वो अपने आप ही सूख जाते हैं रात में, सारा जो पानी होता है इनका, इसीलिए मैं लगा रही हूँ इनकी जगह पर बर्तनों की पर तो लगे हाथों। तो मैंने सोचा इसको भी लगा दूँ जल्दी जल्दी, देख लो मैं कितनी स्पीड से काम करती हूँ, मेरी स्पीड देखो आप लोग। और यहाँ पे ये मैंने कप चम्मच सारी जो भी है लगा रख दिए थे एक तरफ, और जो अदरक रखा है ये मैंने शाम को ही धो के रख दिया था सब्जियों में सब। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30, अभी सुबह है 9:30 बज रहे हैं, और आज है दिन बुधवार। तो मेरा बाकी का जो एरिया है बाहर का सारा झाड़ू पोछा हो गया है एकदम, सिर्फ अंदर अंदर का बचा है। और चाय लेके आ रही हूँ, लवी भी उठ चुकी है। लवी भी हमारी उठ चुकी थी, मैंने दूध दे दिया था, लवी आराम से दूध पीने में लगी थी, इतने में मैंने सोचा मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, और तो मैं वही झाड़ू लग रही है, बस यही रह गया था बाकी का सारा झाड़ू पोछा। बाहर तो पोछा भी लग गया था, ये अंदर अंदर का रह गया था मेरा बेडरूम एंड किचन, तो इसीलिए मैंने सोचा मैं झाड़ू लगा देती हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद का काम क्या है, कुछ भी नहीं होता है ज़्यादा, फिर तो कुछ नहीं रहता है काम। हमारे घर में झाड़ू तो निकल चुकी है क्योंकि लवी के पापा भी सो रहे हैं, तो मैं बेड साफ के चक्कर में ना काफ़ी लेट हो जाती हूँ। ये उठने हैं 10 बजे क्योंकि इनका टाइम है 11 बजे का जाने का, कि 1 घंटे में जब अपनी सारी तैयारी कर लेते हैं जाने की, तो ये उठते हैं 10 बजे। 10 बजे अगर मैं इंतजार करती हूँ ना कि मैं बेड साफ करके ही झाड़ू लगाऊंगी, मैं हो जाती हूँ काफ़ी लेट, इसीलिए मैं बेड साफ करूँगी नहाने के बाद, खाना बनाने के बाद सबसे लास्ट में। और आज मैंने यही सोचा कि मैं आज बेड बाद में साफ करूँगी तो मैं जल्दी फ्री हो जाऊँगी। बाकी का सारा झाड़ू पोछा हो चुका है, सिर्फ यही रह गया, इसमें भी पोछा लगाती हूँ, झाड़ू भी लग चुकी है। अब मैं मिलती हूँ आपसे नहाने के बाद में। और नहाने जाने से पहले मुझे ये मलाई की भवानी दिख गई थी, मैंने सोचा इसमें जामुन लगा के तभी नहाने जाऊँगी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फ्रिज में रखी रखी थी ना, तो बहुत वो हो गई थी, एकदम टाइट थी, इसलिए मैंने इसको गर्म किया। वैसे भी गर्म करके ही जामुन लगता है, अब सर्दियाँ आ गई हैं। और ये बन रहा था हमारा दलिया, जो कि दलिया को मैंने सोचा मैं बनाकर ही नहाने जाऊँगी, क्या फ़ायदा, फिर मैं चली जाती तो ये लग जाता है। ये है जामुन जो कि मैंने गुनगुना करके इसमें डाल दिया है, अब देखते हैं हमारा ये कितना निकलता है कल। और अभी तो मैंने ये रख दिया है इसको ढक के आराम से, और दलिया की भी गैस मैंने बंद कर दी थी एंड इसकी भी कर दी थी, मैंने सोचा फ्री होकर ही नहाने जाऊँगी, क्योंकि करके बहुत सुबह सुबह लेके आई है चीज़। क्या लेके आई लड्डू? ये बूम बूम। और लड्डू क्या लेके आई है? लवी क्या लेके आई है? क्या लेके आई है तुम? दिखाना लड्डू क्या लेके आई है। मुझे दे दो एक अप्पा। लड्डू मुझे दे दो ये तो अप्पा, दे दो ताती को, मैं दे दूं आपके लिए, मेरे पास रखिए एक और देखो। और लवी क्या लेके आई थी दिखाना, और लवी और लड्डू सेम चीज लेके आई, दिखाना क्या क्या है दोनों एंड में। अरे वाह, ये कच्चा मैंगो। आदि तुम क्या लेके आए थे? तो अभी पाजू भाभी ने तो अपने आप पाल ली है, भाभी बड़ी है। नहीं ये पता है इनको रोज सुबह नाश्ते में चीज चाहिए सबको। बाबू सब खड़े हो जाओ सब। और पता है ये पूरी
की फौज उठाने में लगी है इनको, तब भी नहीं उठे हैं। बड़ी मुश्किल से आदि ने, लड्डू ने ढक्का दे दे के उठाया। ढक्का देव, ढक्का देव, ढक्का जाओ तुम गरम गरम पानी पी लो। लवी के पापा उठ चुके हैं और इनके मतलब जो मॉर्निंग में रूटीन होता है वो ये है कि सुबह सुबह नमक डाल के गरम पानी पीते हैं, ये गरारा करते हैं, उसके बाद में ये कुछ पीते हैं, यानी कि चाय पीते हैं। सबसे पहले ये गरारा करेंगे, फिर उसके बाद ये अपना कोलगेट वगैरह करके फ्री हो जाएंगे, उसके बाद में करेंगे पियेंगे चाय। और ये बच्चों का देखो, और ये आ चुकी है लवी के पापा की चाय। और कितना भी काम कर, हुआ किसने बनाया तुझे? और ये लाइन में कहाँ से ले जाती है तू रोज रोज? पता है खराब हो जाएंगी तेरी। और ये मैं और लवी दोनों नहा के आ चुके हैं, और आज धोया था मैंने अपना सिर अपने बालों को, क्योंकि आज बुधवार था और कल मुझे बृहस्पतिवार का व्रत रहना है, तो इसीलिए मैं एक दिन पहले ही अपना सिर धो लेती हूँ। और इधर मैंने लवी को रेडी कर दिया है। बड़ी मुश्किलों से इसने छोटी करवाई थी, इसको छोटी सी पता नहीं क्या एलर्जी है, ये करवाती नहीं है। मैंने इसको बहुत लालच दिया, बहुत बड़े बड़े लालच दिए, मैं तेरे लिए ये दूंगी वो दूंगी। फाइनल जाके इसने बोला मुझे कोको और चाचू की फ़ोटो दिखा दो, तब मैं छुट्टी करवाऊंगी। इसीलिए मैंने फिर इसको एल्बम निकाल के दी, करिश्मा की और राहुल की, राहुल भैया की। इसे देख के ये खुश हो जाती है, वैसे भी इसको बहुत याद आ रही थी करिश्मा की, इसीलिए ये देख ली, इसने ये वीडियो देख ली, ये बहुत खुश हो गई। और इधर बन चुका है आलू का भत्ता, जो कि बना के मैंने रख दिया है। इसमें डाली है मैंने सिर्फ हरी मिर्च, हरे धनिए एंड लाल मिर्च पाउडर, नमक और हींग और जीरा। मैं सिर्फ यही डालती हूँ और मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ इसमें, क्योंकि मुझे सिंपल ज़्यादा पसंद है पराठे आलू के। और ये रखी है हमारी मेथी, जो कि मैंने कल ली थी। अब इसको ना इसको बीन के रखूँगी काट के, क्योंकि शाम को सब्जी बनेगी मेथी आलू की। और ये अब बनाती हूँ पराठे आलू के। अगर आप सभी को भी खाने हैं आलू के पराठे ठंडे मौसम में, बारिश हो रही हो नहीं रही है, हुई थी सुबह, तो अगर आपको भी पराठे खाने हैं तो आप आ सकते हो और पराठे खा सकते हो गरम गरम आलू के। और इधर बन रहे हैं आलू के पराठे, जो आप देख सकते हो। अगर किसी को करारे करारे घी के, शुद्ध देसी घी के पराठे खाने हैं तो आके खा सकते हैं, क्योंकि घी के जो पराठों में स्वाद होता है ना, वो भी हाथ का घी मलाई का, वो उसकी बात ही कुछ अलग है। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं और मैं तो हमेशा घी के ही खाती हूँ, इसीलिए मैं मोटी होती जा। किस किस को पसंद है आलू के पराठे, वो आके खा सकते हैं आलू के पराठे। मैंने काफ़ी ज़्यादा आटा भी लगा लिया है। और अब मैं खाती हूँ खाना, ये है मेरा खाना, जो पराठे और दही से खाऊंगी मैं रोटी। हाँ बीबी नहीं, चलो खाना खाते बंद कर दो, अब मैं मिलती हूँ आपसे किसी खाना खाने के बाद में। दोपहर का सारा मेरा काम तो हो चुका है, सब कुछ लंच वगैरह खा के सब, राहुल भैया ने भी खा लिया, इन्होंने भी खा लिया, मैंने भी खाना खा लिया, और बर्तन भी मैंने क्लीन करके टप में भर के रख दिए हैं। और मैं सोच रही थी थोड़ा बहुत आराम कर लूँ, आराम तो करूँगी, लेकिन कहते हैं ना हम महिलाओं के कभी काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ये देखो सारे कपड़े निकाल निकाल के इसके यहाँ पे फेंक दिए, एक यहाँ पे फेंक दिया और ये उठा के बाहर फेंक दिया, और एक ये को कच्चा यहाँ पे फेंक दिया। लवी तुम ऐसे क्यों काम करती हो, देख कितना गंदा। चलो अंदर सोएंगे अब, आ जाओ लवी लवी। और ये इतना सारा फिकेरा पड़ा हुआ है, इसने बूंदी खाई थी और ये उसको पूरी पैकेट चाहिए बूंदी की। कितना भी कर लो, काम मेरा ख़त्म होने का कभी नाम नहीं लेता है, इसीलिए काम तो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, वो तो सिर्फ रात भगवान ने बनाई है, तो उसमें हम आराम कर लेते हैं थोड़ी देर, फैला रहा डला रहता है हमेशा। तभी मैंने समेट दिया है और वीडियो हो जाएगा काफ़ी लंबा, इसीलिए मैं वीडियो को करती हूँ यहीं पे क्लोज। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लाइक का करती हूँ बहुत बेसब्री से इंतजार। एंड हाँ यार, मोटिवेशन मिलता है आपकी लाइक से, एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा एंड
बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को हिट करोगे तभी तो आपको मेरी न्यू वीडियोस रोज़ देखने को मिलेंगी एंड आपको एंटरटेनमेंट होते रहोगे मेरी न्यू वीडियोस देख के। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू फ्रेंड। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट डे यानी कि नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।